静候。静候。मैं सरदर्द की गोली लेने गया हूं। जब तक आऊंगा लेट हो जाऊंगा, इसलिए ऊपर नहीं आऊंगा। मैं रिसेप्शन पे दे दूंगा गोली। घर किराए पे ले लो या अपने पेरेंट्स के घर चली जाओ। होटल में मत रहो, अच्छा नहीं है ये। सुना है कॉन्ट्रैक्ट आ गया है, इस बार तो ये डील पक्की ही समझो। पता है डॉक्टर चिंग डॉक्टर गु को ले जा रहे हैं। क्लिनिक के सारे बेस लोग जाएंगे ही, क्लिनिक के सारे बेस लोग ही जाएंगे। वो तो है, हमारा कोई चांस नहीं है। वो तो है। सुना है कल रात बहुत ज्यादा ड्रिंक हो गई थी डॉक्टर चिंग के लिए। डॉक्टर गु ने क्या इतनी पी ली कि होश में ही नहीं रही। और फिर बताए क्या हुआ? क्या? ये तो कमाल हो गया। डॉक्टर चेंग उन्हें उठा के होटल ले गए। अच्छा, क्या बात कर रही हो तुम? हाँ, सही कह रही हूँ। फिर होटल में दोनों ने बहुत पी। होटल रूम, पुराने लवर, सोचो क्या हुआ होगा। चलो चलो, बातें बहुत हो गई, काम करो। चलो चलो। ये लो, पानी पी लो। तुम ठीक हो अब? कुछ खा लो पहले, प्लीज। वो गोली जो तुम लाए थे उसके लिए थैंक यू सो मच। अरे उसमें क्या है यार, तुमने मेरी वजह से इतनी पी रात को, थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए तुम्हें। आया पड़ा थैंक यू बोलने में। चिंघाओ, मुझे ऐसे क्यों लगता है जैसे तुम उससे दूर दूर रहते हो? नहीं तो और क्या, कल रात भी गोली नीचे देके चले गए, ऊपर क्यों नहीं आए? ऐसा कुछ नहीं है, बहुत लेट हो गया था इसीलिए तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। झूठ मत बोलो, तुम जब ऊपर नहीं आए तो मुझे बहुत बुरा लगा। और फिर तुम्हारा नोट मिला, तुम्हारा लिखा नोट पढ़कर अच्छा लगा। लास्ट लाइन पढ़ के तो मैं समझो रो ही दी थी।
लेकिन सच में तुम्हें अपने लिए घर ले लेना चाहिए। होटल में क्यों रहती हो तुम, बताओगी जरा मुझे? हाँ, मुझे नहीं रहना होटल में, लेकिन मेरे पेरेंट्स नहीं समझेंगे। जब से मेरे डिवोर्स के बारे में पता चला है वो नाराज है। मुझे देखते ही उनका चेहरा उतर जाता है। उनके साथ रहूंगी तो मुझे सुनना पड़ेगा। तो रेंट पे ले लो घर तुम, या फिर तुम घर खरीद भी सकती हो, तुम्हारे पास पैसे तो वैसे भी हैं ही। खरीदने में बहुत झंझट है, किराए पे ही लूंगी। ठीक है, लेकिन बेजिंग बहुत ही बदल गया है, क्या तुम चल सकते हो घर ढूंढने मेरे साथ? हाँ, घर ढूंढने? अरे ये जैंग मिंग यांग एक्सपर्ट है उसमें, दो दिन में आ जाएगा। उसको बोलता हूँ मैं, वो तुम्हें जरूर लेकर जाएगा। अभी अभी करता हूँ। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि जैंग मियांग क्या चाहता है, और मैंने उसे बता दिया है कि हमारा कुछ नहीं हो सकता, इसलिए उससे हेल्प नहीं लेना चाहती। वैसे हम तो पुराने दोस्त है, इसीलिए तुमसे पूछा। तुम्हें नहीं चलना है तो इस तरह बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं है। बहाने नहीं बना रहा, ठीक है, अब ठीक है, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। घर ढूंढने में हेल्प करूंगा तुम्हारी, ताकि होटल में ना रहो तुम, कम से कम एक सेफ जगह तो मिल ही जाएगी। फिर ठीक है, बाय बाय। हेलो रिसेप्शन। मिस लुआ, आज दोपहर के और कल के अपॉइंटमेंट्स की लिस्ट जरा मेरे कैबिन में लेकर आओगी प्लीज? अभी लाती हूँ। आज सिर्फ एक अपॉइंटमेंट है, एक पुराने पेशेंट का जो चेकअप के लिए आने वाला है, और कल सुबह तीन अपॉइंटमेंट है, दो रूट कनाल के और एक क्लीनिंग का। चिंगहाओ, मैं रेडी हूँ, चले हम? हाँ बस चलते हैं। बड़ी बिजी हो लियो यू। हाँ, तुम्हारे जैसे फ्री नहीं हूँ। ओह, वो आज दोपहर वाले पेशेंट को फोन करो, उनको बोलो कि कुछ अर्जेंट काम आ गया है, और उनको बोलो कि कल सुबह की अपॉइंटमेंट ले लें, आज की नहीं। उनके आने का टाइम हो गया है और अभी कैंसिल कर रहे हो। सुनो चिंगाओ, तुम्हारा पेशेंट आने वाला है, मुझे बताया क्यों नहीं तुमने? किसी और दिन चलेंगे, मुझे कोई जल्दी नहीं। नहीं, नहीं, नहीं। ये अर्जेंट काम है, तुम्हारे रहने के लिए घर देखना जरूरी है ताकि तुम सेटल हो सको। आज के अपॉइंटमेंट को अर्जेंट नहीं है तो उसको हम कल सुबह बुला सकते हैं। तुम्हारा घर हो जाएगा तो फिर आराम से काम कर सकता हूँ मैं, और फिर कोई अपॉइंटमेंट कैंसिल नहीं होगी। रहने दो चेंगहाओ, मैं नहीं चाहती कि लियो यू को कोई परेशानी हो। मिस गु, मुझे सैलरी मिलती है काम करने की, और काम करने में मुझे कोई परेशानी नहीं होती। जो काम नहीं करते उनकी बात करिए आप। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे प्लीज बहस मत करो। कल सुबह का अपॉइंटमेंट भी चेंज करना है क्या? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है मुझे। समझ गई। ये ऐसे क्यों बिहेव करती है? गुस्सा मत हो प्लीज, वो ऐसे ही बोल देती है कुछ भी। मुझे समझ में नहीं आता इसको मुझसे इतनी प्रॉब्लम क्यों है। जिसे पता नहीं है वो तो यही समझेंगे कि मैंने इसका घर तोड़ा है। अगर वो सॉन्गनिंग से दूर नहीं रह सकती तो मैं उनके बीच में नहीं हूँ ना। और उस दिन फिर से बात भी कर रहे थे ये दोनों। छोड़ो, हमारा क्या लेना देना इससे। चले अब। प्लीज हमारा नया कुकी ट्राई कीजिए। प्लीज हमारा नया कुकी ट्राई कीजिए। प्लीज मैडम। वेलकम मैडम। ये लीजिए शॉपिंग बास्केट। मैडम, ये हमारा नया स्वीट स्नैक्स है, क्या आप ट्राई करके देखना चाहेंगी?
ये वाला। ये सबसे महंगा है क्या? हाँ थोड़ा है। यहाँ कितना हुआ? अभी बताती हूँ। मुझे लगता है आज जो दो घर देखे वो काफी अच्छे थे। तुम्हारे स्टाइल के भी थे और स्पेस और लोकेशन भी अच्छा है, बहुत ही अच्छा था। तुम्हें कैसा लगा? बिल्डिंग बहुत पुरानी है वो, और 24 घंटों के हिसाब से सिक्योरिटी भी नहीं है। अकेली लड़की के रहने के लिए ज्यादा सेफ नहीं है। सही है, ठीक है, सही है, तो हम और देखेंगे। थैंक यू आने के लिए, थक गए होंगे तुम। अरे यार तुम ये फॉर्मेलिटी बंद करो मेरे साथ, ठीक है? अरे 8 बज रहे हैं, कहीं खाने के लिए चलते हैं? ओके, बताओ क्या खाओगी? मैं बाहर का खाना खा के पक गई हूँ, घर पे चल के खाते हैं। बोलो तुम्हें क्या लगता है? घर पे? किस किस के घर? तुम्हारे घर। क्यों? मुझे आए हुए इतने दिन हो गए हैं, लेकिन तुमने अपने घर इनवाइट भी नहीं किया। घर तो ले चलो एक बार। नहीं है, क्या है कि मुझे खाना बनाना तो आता नहीं है, तो पैकेट वाला खाता हूँ इसलिए। तो मैं बना लूंगी। अच्छा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं चलते हैं ना मेरे घर। आओ। आई एम सॉरी, मैं अपने पापा के घर था ना कुछ दिन, तो इसलिए यहाँ की सफाई नहीं हुई। मुझे नहीं पता था कि जैंग मिंग यांग ये हाल कर देगा मेरे घर का। वो तुम्हारे साथ क्यों रहता है? वो कुछ दिन के लिए आया था और फिर मुझे परेशान करने के लिए रुक गया। नहीं तुम रहने दो, मैं कर रहा हूँ। अरे कोई बात नहीं, मैं कर रहा हूँ ना, प्लीज तुम रहने दो। तुमने मुझे काम करते हुए नहीं देखा ना, तुम्हारे दिमाग में मैं अभी भी वो स्कूल वाली गुइया हूँ ना। इतने सालों में मैंने और कुछ भले ही ना सीखा हो पर घर के काम सीखे हैं। बताओ 10 साल पहले जब हम पढ़ते थे कभी सोचा था तुमने कि एक दिन मेरा डिवोर्स हो चुका होगा और मैं तुम्हारा घर साफ करने में हेल्प करूंगी? गुया, तुम्हारा डिवोर्स मैं अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाया हूं, मुझे अभी भी बुरा लगता है। सच में मैं जानता हूं कि पति पत्नी के बीच लड़ाई तो नहीं रोक सकता कोई, लेकिन कुछ लड़ाइयां टाइम के साथ खत्म हो जाती हैं, और वो मेरा मेल उसने तुम्हारी लड़ाई की और शादी तोड़वा दी। तुम्हें ऐसे लगता है? हाँ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा जिससे तुम फिर से खुश हो सको। सच में तो करो मेरे लिए। आया, कौन है? हेलो, आपका पार्सल है। मैंने मंगाया। ओह, कितने पैसे हुए? नहीं पैसे नहीं देने। ओह अच्छा, बाय सर।
अच्छा इसलिए तुमने एड्रेस लिया था मेरा, पहले बोला मैं बनाऊंगी फिर ऑर्डर कर दिया तुमने। और क्या, फिश भी तैयार है। हो गया। अरे वाह, इसमें सब बन जाता है क्या? हाँ, टेस्ट करिए। हाँ, दिखने में तो बढ़िया है, टेस्ट भी अच्छा ही होगा। एक ड्रिंक ले लूं। आपका बेटा घर आया था ना, वो नहीं बनाता खाना? खाना बनाना उसके बस की बात। मुझे भी एक दो ना। अरे तुम मत पियो, ये अच्छा नहीं होता। एक में क्या होगा, कंजूस कहीं के। सिर्फ एक ग्लास। लो। वेस्ट कर दी तुमने। चेंगाओ लाया था मेरे लिए न्यू ईयर पे, पता है? चेंगाओ आजकल घर खाना नहीं खाता क्या? नहीं नहीं, बहुत लेट आता है वो। क्लिनिक पे बहुत काम है क्या आजकल? काम तो है लेकिन वो फ्री है। अच्छा तो ये बात है, तो ये खाना बातें उगलवाने के लिए है, है? मन कर रहा था इसलिए बना दिया। लेकिन मेरे लिए तो नहीं बनाया ना। एक और तो मुझे, एक से क्या होने वाला है। अच्छा अब तुम बात घुमा रही हो। बहस हुई क्या तुम दोनों की? बात ही नहीं हो रही, बहस क्या होगी। चेंगाओ जब स्कूल में था तब हाइट काफी छोटी थी उसके, दुबला पतला चुटकु सा था एकदम। एक साल तक तो वो अपने जूते और बैग ही घुमाता रहा, मिलते ही नहीं थे उसको। और तो और कई बार तो स्कूल यूनिफॉर्म तक नहीं मिलती थी उसे, बताओ। घर पे आते ही खाने पे टूट पड़ता था, ऐसे भूखा रहता था जैसे मिलिट्री स्कूल से आया हो। फिर एक बार पेरेंट टीचर मीटिंग हुई तो उसकी टीचर ने उसकी माँ को बताया, स्कूल के गेट पे कुछ लड़के उसके पैसे और खाना लूट लेते थे और उस बेचारे के पास कुछ नहीं बचता था। उसके साथ इतना सब होने के बाद भी उसने हमें कभी कुछ भी नहीं बताया। लेकिन ऐसा क्यों? ईगो होगा और क्या, कैसे बता दूं कि मुझे रोज लुटाते हैं। उस वक्त मुझे पता चला कि ये लड़का अपने अंदर सब छुपा लेता है, जितनी बुरी बात होगी वो उतना ज्यादा उसे छुपा लेगा। पता नहीं मुझसे कुछ सीखा कैसे नहीं उसने, इसलिए उसके पीछे पड़ के जबरदस्ती उससे बातें
निकलवानी पड़ती हैं सारी। हालांकि मेरा ही बेटा है, लेकिन सच बताता हूँ, कभी कभी मैं भी बहुत थक जाता हूँ उसके इस बर्ताव से। सोचना इस बारे में। स्ट्रॉंग है। हाँ? स्ट्रॉंग है। बोला था इसमें अल्कोहल की मात्रा काफी ज्यादा है। ये तो रेस्टोरेंट में खाने जैसा ही हो गया। अरे ऐसे कैसे, हम तो घर पे बैठ के खा रहे हैं और ये वैसे ही है जैसे तुम उससे कहते रहते हो कि होटल की जगह किराए का घर ले लो। ओके, हमारे आइडियाज तो वैसे भी एक जैसे ही हैं। तुम कुछ कह रहे थे ना पहले? हाँ, मैं कह रहा था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं, तो बोलना मुझे प्लीज। तुम मुझे अपने घर रख लो रेंट पे। हाँ? जैंग मियांग रह सकता है यहाँ, तो मैं क्यों नहीं रह सकती? और मैं घर का ख्याल भी रखूंगी। नहीं, हम दोनों तो आदमी है इसलिए रह लेते हैं साथ में। तुम रहोगी तो प्रॉब्लम होगी ना? क्या प्रॉब्लम होगी, मेरी तो कोई बुरी आदतें भी नहीं है, तुम्हारी है। रेंट तो मुझे देना ही है, तो दोस्त को ही क्यों ना दूं? बताओ क्यों मैंने सही कहा ना? असल में जो घर हमने देखे उसमें एक दो तो अच्छे लगे मुझे, लेकिन उन घरों में जाकर अच्छा नहीं लगा। अंदर जाते ही मुझे अपने फेल होने का और अकेले होने का एहसास हुआ। होटल में रहूंगी तो कम से कम लोग होंगे सामान लेने देने के लिए, जिनसे मैं बात कर सकती हूँ, मिलना जुलना तो होगा उनसे। देखो सब लोग एक जैसे हैं, तुम्हें अकेले रहना सीखना होगा, बहुत जरूरी है ये। पता है, लेकिन इतने सालों से अकेले कभी रही नहीं हूं, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा मुझे एडजस्ट होने में। ये तुम्हारा घर है इसलिए इसमें अपनापन लगता है मुझे। ओके, रह लो यहां, कल तुम्हारा सामान ले आएंगे होटल जाकर, और जैंग मिंग यांग को बोल दूंगा मैं कि वो यहां ना आए आवाज के बाद। थैंक यू सो मच चेंगहाओ, तुम हमेशा ही मेरा साथ देते आए हो। हम पुराने दोस्त हैं, उसमें क्या हुआ? हे, जल्दी से खा लो, ठंडा हो जाएगा नहीं तो। ये भी ट्राई करो। हाँ ये भी। मैं यहाँ पे रहूंगी तो तुम्हें बाहर का खाना खाने नहीं दूंगी। ये तुम ले लो। तुम भी ले लो। इसके डोर का पासवर्ड याद ना रहे तो मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगा। ओके, ये रोज के सामान की लिस्ट है, कौन सा सामान कहाँ है मैंने लिख दिया है। कुछ ना मिले अगर तो प्लीज मुझसे पूछ लेना।
तो तुम मकान मालिक हो गए हो? अरे नहीं, मैं पापा के साथ उनके घर में रहने जा रहा हूँ। तुम आराम से यहाँ अकेली रह सकती हो, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, पक्का। तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो? पागल हो क्या? अवॉइड क्यों करूंगा मैं तो वैसे ही पापा के पास जाने वाला था कुछ दिन उनके साथ रहने के लिए। वो भी हमेशा कहते रहते हैं कि उनके साथ कभी नहीं रहता। अच्छा है तुम यहाँ हो, मैं आराम से वहां रह सकता हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ, इसको देख लेना तुम, और कुछ समझना है तो पूछ लेना। ओके, चलता हूँ फिर मैं। बाय बाय। बाय। पापा, तुम यहां क्या कर रहे हो? मैंने घर दोस्त को रेंट पे दे दिया है, इसलिए यहां रहने आ गया मैं। इसका क्या मतलब, अब यहां रहने वाले हो तुम? हाँ, साथ रह के एक दूसरे का ख्याल रखेंगे ना हम। मुझे नहीं चाहिए, इसको दिया तुमने घर किराए पे, जाकर उसके साथ क्यों नहीं रहते? लड़की है, कैसे रहूंगा? लड़की? तुम ये सामने वाली लड़की का डिसाइड नहीं कर पाए और किसी और को रूम किराए पे दे दिया? चेंग आओ, मैं बोल रहा हूं, कुछ भी गड़बड़ मत करना। ठीक है, बैठो, पहले बैठो, बैठो बैठो प्लीज। आप मेरे असली पापा ही हो ना? कभी कभी हूं, कभी कभी नहीं। मेरी बात सुन लो पहले जरा। हाँ ठीक है, कभी तो मेरे बारे में बुरा सोचना बंद कीजिए ना पापा। मैंने बस अपने दोस्त को घर दिया रहने के लिए, और कुछ नहीं। वो अभी यूएस से आई है और कोई अच्छा घर नहीं मिल रहा था उसको रहने को, तो बस हेल्प की है मैंने। इसमें गलत क्या किया है मैंने? और ये सामने वाली लड़की का क्या? ओह, अच्छा याद दिलाया, जाके उससे मिल लेता हूं। मैं आ रहा था तब वो जिम जा रही थी। ऐसा सड़ा हुआ मुंह लेकर क्यों बैठे हो? सामान अंदर रख दो ना मेरा। ब्रेक ले लो जरा। क्या चाहिए तुम्हें? बस करो, इतनी एक्सरसाइज करोगी तो दिखना बंद हो जाओगी। जाओ यहां से। कुछ बताना है तुम्हें? मुझे नहीं सुनना। आग उगलने के मूड में हो क्या? हाँ, तुम्हें नहीं चलना तो चले जाओ यहां से।
सुनो ना, हम क्लिनिक साथ में चले रोज। मेरे पास गाड़ी है। तुम्हारी कार से चल लेंगे रोज। मुझे ये बताना था कि मैं यहीं रह रहा हूं तुम्हारे सामने। और अपने घर में क्यों नहीं रह रहे? क्योंकि घर रेंट पे दे दिया है मैंने। गुआ का ना? मैंने सोचा उसे कुछ टाइम के लिए दे देता हूँ। मुझे यहाँ रहना था वैसे भी, और उसको घर भी नहीं मिल रहा था कोई ढंग का, तो इसलिए। और इसीलिए मैंने उसको अपने घर में रहने के लिए बोल दिया। इसमें मैंने गलत क्या किया है? और इससे मुझे क्या करना कि वो कहाँ रह रही है? और वैसे भी तुम्हें सुबह सुबह मुझे ये सब बताने की क्या जरूरत है? अरे मैं क्या बता रहा हूँ और तुम क्या समझ रही हो? मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं बस यहाँ शिफ्ट हो गया हूँ और अब हम सचमुच के पड़ोसी हो गए हैं, ऐसे पक्के वाले। आई एम सॉरी, मैं समझ नहीं पाई। मुझे लगा कि तुम ये बता रहे थे कि गुया तुम्हारे घर में रह रही है, ठीक है? और हाँ, मैं नई जॉब ढूंढ रही हूँ। जैसी जॉब मिल जाएगी मैं क्लिनिक छोड़ दूंगी। ऐसे बताना ठीक है बॉस, या मेल पे नोटिस भेजूं आपको? लेकिन मिस्टर जो। यस, कम इन। आपका आज का शेड्यूल बताने आई हूँ सर। 10 बजे आपका इंटरव्यू है और आपको जाना जरूरी है क्योंकि आज लास्ट डे है इंटरव्यू का। लंच के टाइम आपकी मीटिंग है दायू वेंचर कैपिटल फंड के प्रेसिडेंट वोंग के साथ। उसके बाद कंपनी की मीटिंग है टेक्नोलॉजी को लेकर, और ये सारी जरूरी मीटिंग्स हैं सर आज आपकी। सर, आप मेकअप खरीद रहे हैं? क्या ये वाला अच्छा है? ये आई क्रीम का नया ब्रांड है, अच्छा है। इतनी सारी क्रीम्स हैं, सारी खरीद लेता हूँ। अच्छा सर, वो आज आपकी सारी मीटिंग्स हैं? वो टेक्नोलॉजी वाली मीटिंग के अलावा अगर मैं बाकी मीटिंग में नहीं रहा तो चलेगा क्या? सर मैं पहले ही मीटिंग्स कम करके बता रही हूँ। हेलो, हाँ। हेलो, मैं हूँ। ड्राइविंग कर रहे हो क्या? हाँ। यही आसपास हो क्या? आज के दिन मेरे ड्राइवर बन सकते हो, मेरा एक काम है आज। अच्छा ठीक है, मैं अभी आता हूँ। वैसे कहाँ हो तुम? अगर दूर हो तो रहने दो। नहीं नहीं, पास में ही हूँ मैं, वेट करो अभी आता हूँ। मिस्टर जो, मीटिंग्स का टाइम। नहीं नहीं, मैं मीटिंग में नहीं रह पाऊंगा, वाइस सीईओ संभाल लेंगे। वो जो बोले समझो मैंने बोला, ठीक है? मैं जा रहा हूँ। सर नहीं, ये जरूरी मीटिंग है। तुमने क्या ट्रैकिंग डिवाइस लगाया है मुझ में? बताया भी नहीं मैंने कि मैं कहाँ हूँ, और फिर कैसे आ गए तुम? मुझे लगा ही था कि तुम घर के पास होगी, यहीं कहीं। अच्छा, देखो तुम जहाँ भी रहोगी यलीन, मैं तुमसे यही कहूँगा कि तुम मेरे आसपास हो ताकि किसी और की टैक्सी ना ले सको। अब सच बोला ना, चलो। ये कोल्ड ड्रिंक पी लो। अभी मन नहीं है पीने का। अरे इसे पीने से मोटे नहीं होते। अच्छा ये बताओ, हाँ? कि तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया? क्या? ये तुम्हारी कार जो मीडियम कार जैसी दिखती है, ये हाई एंड कार है ना? आ, आ, आ? कल न्यूज में देखा था मैंने
कि दो कार की टक्कर हुई, जिसने टक्कर मारी थी उसको 80,000 देने पड़े थे लाइट टूटने के, क्योंकि वो हाई एंड कार थी जो एक मीडियम रेंज कार जैसी दिखती है, और मैंने वीडियो में देखा वो सेम तुम्हारी वाली कार थी। हाँ बात तो सही है, लेकिन मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि मेरी वाली हाई एंड कार नहीं है। लेकिन कभी बोला भी नहीं तुमने ये। तुम कहीं मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? कहीं तुम कोई करप्ट बड़े ऑफिसर तो नहीं? अगर बड़ा ऑफिसर होता तो ड्राइवर का काम क्यों करता मैं? हाँ वो भी है। मतलब टैक्सी सर्विसेज में सच में हाई एंड कार्स होती है? अच्छा ये बताओ आज काम के लिए कहाँ जाने वाली हो तुम? एक कंपनी के प्रोडक्ट की मॉडलिंग करने वाली हूँ। अरे वाह। और इस बार मुझे शूटिंग के पैसों के साथ एक्स्ट्रा पेमेंट भी मिलेगी कंपनी से। पता है कुछ टाइम के लिए बहुत अच्छी इनकम सेट हो गई मेरी। फिर तो आज के लिए तुम्हें बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ। थैंक यू। यहाँ मैप में आगे से राइट लेने को कह रहा है, वहाँ से। हाँ ओके। यिलीन कंपनी का नाम क्या है और तुम्हारा इंटरव्यू किसके साथ है? ये जैंग टेक्नोलॉजी, नाम सुना होगा शायद तुमने। एक नई है लेकिन बहुत अच्छी कंपनी है। अब तुम्हें क्या हो गया? कुछ नहीं, बस तुम्हारी चिंता हो रही थी। तुम यही वेट करो मेरा, मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फिर मुझे दूसरी जगह भी जाना है। ठीक है। यिलीन, स्ट्रॉन्ग रहना। यस। नेक्स्ट मॉडल चाओ यिन, गुड लक। हेलो, मेरा नाम चाओ यिन है। हाय, कहाँ से हो तुम? वुहान। अच्छा, वुहान से? हाँ सर। कहाँ से ग्रेजुएट हुई हो? म्यूजिक स्कूल से सर। अच्छा, म्यूजिक स्कूल से, समझ में। बस ओह सर, अब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाओ जाओ यहाँ से, जाओ, मैं यहाँ लेटूंगा। अच्छा बताओ क्या तो पसंद है? मुझे सिंगिंग, डांसिंग और सेलो बजाना। ओके, गुड गुड। ओह वेरी गुड। मिस्टर ज़ू, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? चुप रहो, जाओ जाओ। अरे जो सर, अरे क्या हुआ आपको? आप ठीक है ना? जाओ जाओ यहाँ से। हाँ ठीक है। तुमको क्या हो गया? क्या कर रहे हैं? मिस चाओ, आप घर जा सकती हैं। हम आपको कॉल करके बता देंगे सिलेक्शन के बारे में। ओके, थैंक यू। तो फिर मिलते हैं जल्दी। ओके, थैंक यू। हाँ, आने दो, आने दो, संभल संभल कर। सॉरी, आप जाओ, आप जाओ। सॉरी, ओके, थैंक यू। I'm so sorry. Huh? एक मिनट। ये आदमी कौन है पोस्टर पे मिड में? ओ, ये बीच में, ये तो हमारे सीईओ हैं, ज़ो सर।
क्यों, क्या हुआ? आप इन्हें जानती हैं? जो भी है।